For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. जैसे कि हम सब जानते हैं कि सलमान खान इस वक्त बैंकॉक में अपनी रेस 3 टीम के साथ शूट कर रही है और फिर इस 20 दिन के शूट शेड्यूल के बाद टीम जाएगी अबू धाबी में फिल्म के किलर एक्शन सीन्स शूट करने। मार्च के महीने में भाईजान अबू धाबी में रेस 3 के एक्शन सीन्स शूट करेंगे और अगर ये आपके लिए बिजी साउंड नहीं करता तो हम बता दें कि वो 10 का दम सीजन 3 की शूट भी मार्च से ही शुरू करने वाले है। और तो और 2018 के साल में भाईजान के लिए दबंग टूर तो लाइन अप है ही और साथ ही भारत मूवी की शूट भी शुरू हो जाएगी। वेल भाईजान के लिए ये पूरा साल बिजी है और हम कंप्लेन नहीं कर रही है। हमें तो भाईजान को देखना बहुत पसंद है और उनके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर उनको देखने की लालच बढ़ती ही जा रही है ना? ये तो सभी जानते हैं कि सलमान खान की चैरिटेबल ट्रस्ट बीइंग ह्यूमन काफी अच्छी डीड्स करती है, पर फिर भी न जाने क्यों ये एनजीओ बीएमसी द्वारा ब्लैकलिस्ट हो सकता है। कहा जा रहा है कि सलमान खान के फाउंडेशन को बीएमसी ने सिलेक्ट किया था ताकि वो मुंबई में करीब 12 कंसेशनल डायलिसिस यूनिट सेटअप कर सके, जहाँ पर सर्विसेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पर ऑफर की जाएगी। यहाँ डायलिसिस 350 रुपए से भी कम में हो सकता था। बीइंग ह्यूमन बांद्रा में 24 डायलिसिस मशीन सेटअप करने वाला था, मगर सारी परमिशंस और बैंक गारंटीज मिलने के बाद भी ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। ये देखकर बीएमसी ने बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट को वार्निंग भी दी थी, मगर फिर भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो इसके चलते अब वो बीएमसी से ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। वही सलमान खान के चैरिटेबल ट्रस्ट का कहना है कि बीएमसी ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया और इसीलिए बीएमसी को कोई हक नहीं है कि वो उन्हें ब्लैकलिस्ट कर सके। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। I'm so happy for a Valentine's date. What can I say? देखोगे आप मेरी Valentine's date? So beautiful. I'm so happy for a Valentine's date. What can I say? देखोगे आप मेरी Valentine's date? So beautiful. करीब 20 साल पहले सलमान खान ने हमें फिल्म जुड़वा में अपने डबल रोल से काफी एंटरटेन किया था और ये फिल्म पे कल्ट सक्सेस बन गई। हाल ही इस फिल्म का सीक्वल भी बना था जहां सलमान ने एक डबल कैमियो किया था। वेल फैंस इस फिल्म में भी अपने प्यारे भाईजान को देखकर काफी खुश हुए और ऐसे में हम लाए हैं एक खास खबर कि सलमान खान अब किक 2 में भी एक डबल रोल में नजर आएंगे। जी हाँ, साजिद नडियाडवाला की फिल्म में सलमान एक नेगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टर भी अदा करेंगे और ये डबल धमाका न जाने वो कैसे हैंडल करेंगे, मगर फैंस का क्या है, खबर आई और वो खुशी से झूम उठे। अब सलमान को एक बार फिर डेविल अवतार में देखकर हम भी कहेंगे, आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, टू मच फन। और अब इस बात पर ये देखना होगा कि आखिर कौन सा डेविल किसको फॉलो करेगा। तो अब सलमान के इस डबल वामर के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।
जरा सोचिए क्या होता अगर आप अपना वैलेंटाइंस डे अपने ख्वाबों के क्रश के साथ स्पेंड कर पाते। ये सोच ही काफी फैसिनेटिंग है ना। लेकिन फैन सेलिब्रिटी मैनेजर आयुषी के लिए ये कोई सपना नहीं है। उनके नसीब में 14 फेब को बॉलीवुड हंग सलमान खान से मिलना लिखा था। जी हाँ, आपने सही सुना, आयुषी के साथ वैलेंटाइन स्पेंड किया सलमान खान ने। हमने आपको पहले बताया था कि भाईजान बैंकॉक में रेस 3 के लिए शूट कर रही है और तब ही भाईजान आयुषी से बैंकॉक में इथनी होटल में मिले। भाईजान ने आयुषी के साथ पिक्चर भी क्लिक कराई और इस पिक्चर में आयुषी की स्माइल देखते ही बनती है। खैर, सलमान के साथ वैलेंटाइन स्पेंड करना अभी बाकियों के लिए एक सपना है। वायरल प्रिया तो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अपने पहले वीडियो में आंख मार कर फेमस होने के बाद आज आए वीडियो प्रिया अपने प्रेमी को दिल पर गोली मार रही है। पर अब प्रिया की फिल्म खतरे में है। जी हाँ, ओमान लुलू जो कि फिल्म उरु वादार के डायरेक्टर है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये FIR मुकीत नाम के एक 20 साल के युवक ने ये कहकर की है कि माणिक्या मलाराया पूवी सॉन्ग आपत्तिजनक है और ये वही सॉन्ग है जिसमें प्रिया थी। हैदराबाद पुलिस इस पर जांच पड़ताल कर रही है और कानून की कार्रवाई के हिसाब से इसका फैसला होगा। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताएं। Guess who's here? Oh my God! Hi Tanya. Hi Lizelle. Wish you guys a very happy Valentine's Day. तुम लोग किससे बात कर रहे हो? तानिया से। और नहीं, बहुत सारे लोगों से। हाँ, बहुत सारे लोगों से actually. Tanu, love you. Happy Valentine's Day in advance, and happy Valentine's Day to all the wives. So we are live. Both of us are live on Insta. Yes. And see. And what happened, sir? Yes, and we have Bose here, who's Arsene Marographer. You're doing the best what he can do. So you guys are live on Insta? Yes, we are. I mean, this is my second time being live. So wish all Bobby fans and Rimmer fans the best Valentine's Day, and I hope you had a good Mahashivratri. Yes, Mahashivratri for everyone. In Bangkok, we're shooting for Race 3. And God bless you all. Have a great night. And have a great Valentine's Day. And have श्रीलंकन ब्यूटी जैकलिन फर्नांडिस हर तरह से एक स्टनर है। उन्होंने सलमान खान के साथ किक में तो काम किया ही है और अब ये डीवा एक बार फिर दबंग खान के साथ फिल्म रेस 3 में रीयूनाइट हो रही है। पर इस बार कुछ बदल सा गया है। क्या बदला है? वेल, इस बार जैकी काफी वरीड और इनसिक्योर है कि सलमान खान की फिल्म अक्सर वन मैन फिल्म होती है और इसीलिए वो उनकी परफॉर्मेंस को कम्प्लीटली ओवर शैडो कर देंगे। मगर जैकी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है और इसीलिए वो एक्स्ट्रा आस काम कर रही है और इंश्योर कर रही है कि लोग उनकी मेहनत और काम के चलते उनके कैरेक्टर को फिल्म में नोटिस करें। मतलब जैकी के एफर्ट और हार्ड वर्क को देखते हुए हमें यकीन है कि वो लोगों को अपने कैरेक्टर से इम्प्रेस कर ही देगी, है ना? कुछ दिन पहले सलमान खान पुणे में PNG ज्वेलर्स के शोरूम में आए थे और तब वो एक 92 इयर्स की बुजुर्ग महिला की उनसे मिलने की ख्वाहिश को बिना पूरे किए ही चले गए। पर रुकिए, ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है।
सलमान खान एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और जैसे ही भाईजान के फैंस को पता चला कि भाईजान आए हैं, पीएनजी ज्वेलर्स के शोरूम के बाहर फैंस की बड़ी भीड़ जम गई और सिक्योरिटी रीजंस के चलते सलमान को वहां से जल्द ही निकलना पड़ा। पर सलमान ने उनका दिल नहीं तोड़ा और सीक्रेटली जाके सलमान उनसे मिलकर आए और ये दादी माँ ने भी सलमान को उनको माफ करते हुए उनके इस दरिया दिली के लिए दिल से आशीर्वाद दिए। और भाईजान के इस जेस्चर को देख हम तो यही कहेंगे कि भाईजान जैसे ह्यूमन बीइंग कोई नहीं। आपको क्या लगता है हमें जरूर बताएं।